अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर आज हम 2 सॉल्व करेंगे, और इससे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं उसकी वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, वो आप काइंडली देख लीजिएगा। डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है बच्चों, चलें जी अब हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, हाँ जी लेट कर लेते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सेकंड 4x, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, तो क्या करें, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के साथ दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, और ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर सेकंड 4x, ठीक है बच्चों। चले जी अब यहाँ पे आप देखें, एक फंक्शन अलजेब्रिक का है और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल हमें पता क्या कहता है, पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का, यानी कि सीकेंड 4x का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे, यानी सीकेंड 4x वैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव पहले का, तो पहले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है फार्मूलाज का, चलें पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का देखें, सेकंड यू, सेकंड यू का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, सेकंड यू यानी यू में इसमें आपका 4x है, तो सेकंड यू टेन यू फिर डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। तो 4x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा प्लस, हाँ जी सेकंड 4x वैसे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर सेकंड 4x टेन 4x प्लस 2x सेकंड 4x, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखने कॉमन क्या आ रहा है, एक तो 2 भी है, इधर भी है, इधर भी है, x और सेकंड 4x ये कॉमन आ रहा है, तो 2x सेकंड 4x कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बाहर चला गया, बाकी 2x रह जाएगा, और सेकंड 4x बाहर चला गया, तो ये आ जाएगा टेन 4x प्लस 1, ये बच्चों आ गया, आ गया डी वाई ओवर डी एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास आ गए। जस्ट फार्मूलाज की गेम है, फार्मूले याद करें और क्वेश्चन सॉल्व, सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। लेट कर लें वाई के इक्वल, लेट वाई इज इक्वल टू टेन क्यूब थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये फंक्शन वाई क्या है, थीटा का है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्वड, तो इसमें वेरिएबल थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डी ओवर डी थीटा इंटू टेन क्यूब थीटा इंटू सेकंड स्क्वायर थीटा। चलें जी अब इसका डेरिवेटिव लेना है, तो दो फंक्शन है, तो वही प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का, यानी कि सेकंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे, यानी सेकंड स्क्वायर थीटा वैसे आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका आ जाएगा, पहले का, तो पहले का डेरिवेटिव
यानी कि टेन क्यूब थीटा का डेरिवेटिव। चलें जी, अब फार्मूले आपको पता है तो लगा दीजिए। पहला वैसे डेरिवेटिव दूसरे का, अब सीकेंट स्क्वेयर थीटा, तो पहले तो लगेगा पावर रूल, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, यानी कि डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर यहाँ किसकी थी, सीकेंट थीटा का, सीकेंट थीटा की पावर थी ना 2। तो क्या होता है फार्मूला, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर सीकेंट थीटा की पावर थी। ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा सीकेंट स्क्वेयर थीटा, सेम वही फार्मूला, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, क्यूब था तो एक कम हो जाएगा, और डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर किसकी थी, टेन थीटा की। ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, ये 2 tan cube theta सेकंड थीटा। जी बच्चों, अब है सेकंड थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो सेकंड थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड यू का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकंड यू टेन यू डी यू ओवर डी एफ। तो इसका मतलब है क्या आ जाएगा, सेकंड थीटा इंटू टेन थीटा, आगे डी थीटा बाई डी थीटा वो 1 हो जाएगा, प्लस हाँ जी 3, यहाँ पे पहले लिख दें टेन स्केयर थीटा सीकेंड स्केयर थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्केयर थीटा, आगे डी थीटा बाई डी थीटा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 tan cube है और ये 10 है, तो ये बन जाएगा 2 tan 4 theta secant theta, और secant theta ये बन जाएगा secant square theta, प्लस 3 tan square theta tan square theta secant square और secant square, तो ये बन जाएगा base same power at secant 4 theta। अब बच्चों देख लो कॉमन क्या आ रहा है, देखें यहाँ पे टेन स्केयर है, दो यहाँ पे टेन फोर है, इसका मतलब है एक तो टेन स्केयर थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सेकंड स्केयर है और यहाँ पे सेकंड फोर है, इसका मतलब है एक सेकंड स्केयर थीटा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसमें बाकी क्या आ जाएगा, 2 tan 4 था तो टेन स्केयर तो बाहर चला गया कॉमन, तो बाकी टेन स्केयर रह जाएगा, टेन स्केयर थीटा सेकंड स्केयर बाहर कॉमन आ गया, प्लस 3 टेन स्केयर बाहर आ गया, बाकी सेकंड फोर में से एक सेकंड स्केयर बाहर आ गया, तो यहाँ पे बच जाएगा सेकंड स्केयर थीटा, तो ये आ गया बच्चों डी वाई ओवर डी थीटा विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया जी बच्चों। थर्ड पार्ट है साइन 2 theta माइनस कॉस क्यूब थीटा होल का स्केयर, तो लेट कर लें वाई इज इक्वल टू साइन 2 theta माइनस कॉस क्यूब थीटा होल का स्केयर। ठीक है, अब ये थीटा का है फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। चलें जी, ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा, हाँ जी साइन 2 theta माइनस कॉस 3 theta का स्केयर। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले यहाँ पे देखें पावर 2 है, तो सबसे पहले पावर रूल लगेगा, और पावर रूल हमें क्या कहता है, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, यानी कि ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर बच्चों किसकी थी, इस फंक्शन की पावर थी, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। पावर रूल अच्छे तरीके से याद कर लें, पावर रूल क्या होता है, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, यानी 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर आपकी बच्चों इसकी थी, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे। चलें जी, अब क्या कर दें, ये 2 ये सेम आ जाएगा साइन 2 theta माइनस कॉस 3 theta,
अच्छा जी, अब साइन यू इसमें आपका क्या है, 2 थीटा है, तो साइन यू का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? साइन यू का डेरिवेटिव होता है कॉस यू, यानी कॉस 2 थीटा, फिर डी यू ओवर डी थीटा। ठीक है, तो 2 थीटा का डेरिवेटिव क्या आ गया, 2 बाहर आ जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा, माइनस कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, माइनस साइन यू, तो कॉस यू का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन यू, यू इस केस में आपका 3 थीटा है, तो कॉस यू का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन यू आगे डी यू ओवर डी थीटा, यानी कि 3 थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 बाहर आ जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, और ये आ जाएगा 2 कॉस 2 थीटा। याद रखना बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना, क्योंकि एंगल कभी चेंज नहीं होता, तो 2 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा sin 3 थीटा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 थीटा कर दिया, नहीं, एंगल कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर, डी वाई ओवर डी थीटा। समझ आ गया बच्चों? चलें जी, अब लास्ट पार्ट करते हैं। जी लास्ट पार्ट है, लेट कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है कॉस स्केयर रूट एक्स प्लस स्केयर रूट साइन एक्स। ठीक है बच्चों, चलें जी, अब एक्स का है फंक्शन है, तो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, हाँ जी, कॉस स्क्वेयर रूट एक्स प्लस स्क्वेयर रूट साइन एक्स। चलें बच्चों, इसको अलग अलग डेरिवेटिव दे दें, ये आ जाएगा डी ओवर डी एक्स कॉस स्क्वेयर रूट एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स, इसको आप लिख सकते हैं साइन एक्स की पावर 1/2। ठीक हो गया। चलें जी, अब अपना आपको पता है फार्मूले क्या हैं, फार्मूले आप लगाएं। ठीक है जी, कॉस यू, ये आपका यू है, तो कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन यू आगे डी यू ओवर डी एक्स, ये चीज यही था ना कॉस, और ये आपका यू है बच्चों, तो कॉस यू का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन यू, फिर आगे क्या होता था, डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है जी, अब यहाँ पे पावर 1/2 है, पहले तो लगेगा पावर रूल, पावर नीचे पावर में 1 की कमी, ठीक है, तो 1/2 माइनस 1, तो -1/2, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर तो का आपकी साइन की थी, तो साइन का डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर देखें, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में 1 की कमी, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर यहाँ पर किसकी थी, साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा बच्चों। चलें जी, ये आ जाएगा माइनस वैसे साइन स्केयर रूट एक्स, हाँ जी, स्केयर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, ये होता है यानी पावर 1/2, पावर नीचे पावर में 1 की कमी, 1/2 माइनस 1, तो यहाँ पे स्केयर रूट एक्स आ गया, और डी एक्स ओवर डी एक्स 1 होता है। तो याद रखिएगा, स्केयर रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो क्या होता है, 1/2 स्केयर रूट एक्स। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा माइनस 1/2, ये भी नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 स्केयर रूट साइन एक्स। ठीक है, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस एक्स, यानी साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, फिर डी यू ओवर डी एक्स, तो एक्स का 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलें जी, 1/2 इधर भी है, 1/2 इधर भी है, तो 1/2 कॉमन ले लें। ठीक है, इधर क्या बच जाएगा बाकी रिमेनिंग में, माइनस साइन साइन स्केयर रूट एक्स ओवर स्केयर रूट एक्स, और यहाँ पे रह जाएगा प्लस, हाँ जी, 1/2 तो बाहर कॉमन आ गया, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स ओवर स्केयर रूट
साइन एक्स। ठीक है बच्चों, चलें जी, इसको मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव वाले को पहले लिख दिया, नेगेटिव वाले को मैंने बाद में लिख दिया, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं पे कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।